मेडिकल अस्पताल में एक 22 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार गांव वडाला के रहने वाले मुनीश कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी गुरबख्श कौर ने सोमवार को एक बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। गत रात्रि अचानक उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी पत्नी नीली पड़ गई और उसकी मौत हो गई। उनका आरोप है कि इंजेक्शन के कारण ही उसकी पत्नी की मौत हुई है। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही एसीपी सेंट्रल देवदत्त शर्मा, सिविल सर्जन वीना पॉल, एसएचओ 4 परमजीत सिंह, थाना 4 के एसएचओ व भारी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंच गए और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। वहीं परिजनों ने कहा है कि जब तक आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे लाश को नहीं उठाएंगे। मेरा नाम भाई मुनीश कुमार है, मेरी बाइक दारू सी, ठीक है जी। मैं घर गया था, फ्रैश होने बाद जो मैं वापस आया, मेरी मदर ने मैंने फोन किया। जो मैं इतने आया तो मेरी माता उत्तर स्टाफ के कोल गई थी कंप्लेट लिखाने वास्ते, तो नर्स ने धक्के मार के मैं बाहर कटिया। दो तीन बार कंप्लेट लिखा गए, वो मैं धक्के मार के उन्होंने बाहर कटिया, गया कहते कंप्लेट कंप्लूट नहीं लिखनी भी तुम जाओ बाहर। जो फिर चौथी आई गए फिर बाहर आया, किसी की गलत शीशी बोतल चाढ़ के उन्होंने दर्द पीड़ होने लग पी, तो इन्ना ज़्यादा हो गया शरीर जाने की बिल्कुल ठंडा पै गया, डेड हो गया उन्होंने, जाने की बिल्कुल ही बोलना चाहना बंद हो गया। इन दादा करते रहे, कोई कहना डॉक्टर होने आ रहा, कोई कहना होने आ रहा, घंटे दो घंटे करते करते इन्होंने 11 बजा तक इस टाइम मिले। हम इन्होंने कहता है कि सैल कर लापरवाही, जो सारे इन्हों स्टाफ दर्सा आ जो डॉक्टर हो गए नर्सा हो गई, इन्हों की बेपरवाही ना हो जिन्ना कुछ होया सारा कुछ। अगर भाई आप 11 बजे से कल एडमिट इतने कराई है, तो डिलीवरी कल हुई? डिलीवरी भाई अपनी कल 12:30 बजे हो गई है। हम भाई ये देखो हम कहते सैल घट गया जी, सैल वाले पूरे करने पैने जी, ब्लड घटिया पाया इतने करी जाते हाले, हम देखते हैं हम कहते 700 की कैट लैके आओ, कैट लगानी पैनी है। हाँ जी भाई पूरा ड्रामा एकदम चलन डिया है इन्हों का हमने इस टाइम। मामला ऐसे है कि इसका कल सुबह हुआ था सर्जेरियन, शाम तक पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक थी। डॉक्टर ने शाम वाले डॉक्टर ने आके देखा, उसके बाद इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि बीपी डाउन चला गया, फिर वो चेक किया गया, फिर उसका धीरे धीरे डिस्टेंशन शुरू हो गई, उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना सारा काम किया, ठीक है। और इससे मेरे से ज़्यादा बेटर आपको गायनोकोलॉजिस्ट बता सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी का केस है, सर्जेरियन हुआ था, उसके मामले में सारा अभी तक जो कर रहे हैं आप सबके सामने है। मैडम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अब जो उसके प्रॉब्लम है उसके लिए हम सारे डायग्नोस कर रहे हैं, अभी जैसे स्कैनिंग करवाई है, टेस्ट हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अभी डायग्नोस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बरती गई लापरवाही, कोई नहीं है, नहीं ऑपरेशन दोबारा नहीं हो रहा है, अभी उसकी डायग्नोस कर रहे हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम तो क्यों हुई, हो सकता है पहले से कोई प्रॉब्लम रही हो, ये कोई कहा नहीं जा सकता, तो वो तो हम देखेंगे फिर ना सारा जो भी होएगा, तो सारे उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अभी चल ही रही है सारा देख रहे हैं। गुरबख्श कौर वाइफ मुनीश कुमार वासी पिंड बटाला, कल हॉस्पिटल से दाखिल हुई सी, तो कल 12:30 बजे एक बच्ची पैदा हुई, इस तो बाद तंदुरुस्ती ठीक ठाक सी, घर दे भी उन्होंने दसिया भी ठीक सी, अज करीब 5-6 बजे वो थोड़ी जी हालत खराब हो गई, घरद्या लगता भी शायद भी स्टाफ वाले ने अणगहली की आ,
तो इस करके वो थोड़ा मतलब गुस्से में से स्टाफ के नाल भी थोड़ा वध घट हो रहे थे स्टाफ बारे हो रहे थे भी इन्होंने ठीक तरह वह प्रॉपर इलाज नहीं किया। डॉक्टर साहब अपने करीब 5-6 डॉक्टर नाल ही मेडिकल सुपरडेंट मैडम वो भी आए हुए आ इलाज वधिया तरह कर रहे हैं। हर जो भी हस्पताल वालों साडे वालों संभव सहायता जो अं कर रहे हैं उन्होंने मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा गया भी जेकर ब्लड की ज किसी चीज़ की भी लोड़ हैगी असी अपने वालों भी करने तैयार हाँ। हाँ जेकर कोई कंप्लेंट आएगी तो वह जी सिविल सर्जन साहब न भेज दी जाऊगी। बाकी जे पुलिस के कोई रिपोर्ट आएगी तो मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।